ये स्कूल बस तो मुझे पूरा तो इस गली में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ है बाहर तो बच्चे लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उषा इधर, मैं आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। और यहाँ पे हमारा बाइक भी देख सकते हो। मैं धुलाने के लिए जाता था लेकिन भाई बाइक तो पूरे पूरा क्लीन है तो मैं नहीं धुलाया बस। पहले हम लोग पेट्रोल बनाते हैं। ये कौन है, इतना स्पीड से आया, मेरे से भी ज़्यादा तेज आया भाई। इतना उठा कभी काला लगा लेने तो दोस्तों मेरे पास ये देख सकते हो एक नोट है जिसमें यहाँ पे काला रहे तो इस कलर की वजह से ये नोट मेरा पूरा बेकार हो गया भाई। दोस्तों यहाँ पे LPG मैंने भराया था सुबह, आप देख सकते हो। तो मतलब ये इस टाइम मैं वीडियो नहीं कर पाया तो यहाँ पे देख सकते हो 1187 मतलब हमारे सिलचार पे अभी LPG की रेट है भाई। पूरा सेटअप लगाइया हमें तो आज लाभ। आप लोग भाई बोलते हो कि हमारे यहाँ पे ऑफ रोड नहीं है, हमारे यहाँ पे मतलब पूरा सब बीच हो गया। तो भाई लोग मैं ये वाला रोड आप लोगों को दिखाता ही नहीं हूँ पिछली वीडियो में, मतलब जहाँ पे अच्छा मिलता है मैं वहाँ की वीडियो करता हूँ भाई। और यहाँ देखो रोड देख सकते हो, और मेरा स्पीड भी आप चेक करो कितने में मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। और ये देखो ये है रोड, रोड के बीच में ऐसा नदी हो जाता है, अगर ये पानी भरा होता तो आप लोगों को समझना था। ये देखो तो भाई हमारे यहाँ पे भी ऐसा हाल है जहाँ आप लोगों के गांव में जैसा सेम टू सेम ऐसा हाल है हमारे यहाँ पे भी भाई। तो चलो चलते हैं और आप लोग नज़ारा को एंजॉय करो यहाँ कहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो काबूगंज की सुनाई रोड, और मैंने शॉर्टकट ले लिया था भाई 2 किलोमीटर आगे। यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं और जगह दिखाते हैं। ऐसा रिएक्शन हो गया मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नज़ारा तो उन लोगों के लिए मतलब नया है। तो जो भी देखेगा घूर के देखेगा और पब्लिक रिएक्शन भी मेरे लिए हो जाएगा। तो चलो आज 3 काम हो जाएगा। और यहाँ पे ये स्कूल बस तो मुझे पूरा खत्म बाई बाई बना दिया, मतलब रोज मुझे निकल के नीचे डाल दिया तो भाई बाज वालों को भी थोड़ा प्रॉब्लम। और यहाँ सामने मेरा राइट भी आप देख सकते हो, यहाँ फुटबॉल क्रिकेट जो भी हमारे फील्ड है भाई, तो यहाँ पे कोई बड़े बड़े प्रोग्राम भी होता है और भाई जो गेम्स है सब यहाँ पे खेला जाता है हमारे इस साइड में। ये मेरा घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 15-16 किलोमीटर है। और मैं अभी समय टाउन इंटर कर चुका हूँ, यहाँ पे समय से कुछ बोर्ड भी देख सकते हो और रोड पे ऐसे टुक टुक भी मिल जाएगा आप लोगों को। ये टुक टुक है भाई, नज़ारा कुछ अलग है।
मैंने दो तीन रिएक्शन ले लिया, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं कैमरा ऐसा मूव नहीं कर पाया। मैं ऐसे ही मेरे हाथों को मूव कर दिया। हमको जाना है किस साइड, लेफ्ट या राइट? नहीं, राइट जाना। मैं थोड़ा सा राइट जाऊंगा और राइट साइड पहले घूम के इसके बाद में। तो यहाँ सामने तो पुलिस का हिसाब भी होने वाला है मुझे लग रहा है ऐसा, तो इसको हम लोग क्रॉस करते हुए। हाँ है एक भाई साहब सामने, उनको हम लोग नज़रअंदाज करते हुए निकल गया सामने। ऐसा उन लोगों के साथ पंखा मत लो, ऐसा वालों के वाला के साथ मतलब पंगा मत रहो, नहीं तो कुछ काम की नहीं रहोगे भाई। तो आज है मंगलवार भाई, यहाँ पे मार्केट भी लगता है, तो यहाँ पे बकरियों की मार्केट है भाई। क्या मैं दिखा दूँ आप लोगों? नहीं, बट आप लोग और कुछ कमेंट मारोगे मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ अंदर आप देख सकते हैं बर्की सुन बर्की सुन बकरियों की मकसूद। तो भाई मेरा एक दोस्त मिल गया, तो उससे मुलाकात करने के लिए मैं अभी थोड़ा सा वेटिंग कर रहा हूँ जाम की। तो मैं उसको कॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी में होना भाई। तो यह तो भाई ट्रिप चलता ही जा रहा है, तो रुकना पड़ेगा। रोटी कहते बोर चार साइड लगाओ। वो तो भाई एकदम नहीं भाई रही तू यहाँ। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी अभी देखा था मुझे कि मैं सुनाई टाउन पे था और मेरा एक दोस्त मिला था भाई, तो मैं वहीं पे गाड़ी को घुमा दिया। तो उसके साथ बहुत दिन हो गए, मतलब मुझे मैं बात नहीं कर पा रहा था, तो वो मिला तो मैं उससे बात करने लगा भाई। और बात करते करते मैं कॉलेज तक चला गया था, और कॉलेज से बाद में उसको मैं घर पे छोड़ा और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो उसकी गाँव से मैं निकल के जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। फिर से मैं हरियाली के बीच पे आ चुका हूँ। तो हमारे मतलब आसाम सिलचार सिटी पे मतलब हर जगह पे खेती की ज़मीन आप लोगों को मिल जाएगा, तो नेगेटिव एंजॉय करो। आप देख सकते हो भाई, मैंने आज धुलाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई मैं देखा था क्लीन है तो इसलिए मैं नहीं धुलाया भाई। और अभी देखो भाई पूरा सही है, मतलब अभी भी इतना मतलब नहीं हुआ। तो चलो अभी सीधा चलते हैं घर पे, और भाई भी सही है। तो अभी मैं आया था इस रोड से, लेकिन मैं जाऊँगा इस रोड से। तो इस रोड से भी मतलब हमारे यहाँ तो हर जगह पर रोड है भाई, गली है, तो इस गली में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ है भाई। तो ये देखो यहाँ थोड़ा सा बीच में ऐसे गड्ढा रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा दूर एरिया है। तो चलो अभी चलते हैं घर पे और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों ने देखा, ये सिंपल सा ब्लॉग था भाई। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं तो अपना घर पहुंच चुका हूँ सही सलामत। जो भी बंदे राइड करते हो भाई हेलमेट लगा के करना और सही करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।